देखिए कोई भी न्यूज या फिर आर्टिकल या फिर नोटिस छपती है पेपर में तो वो आप लोगों के लिए, जी हाँ दोस्तों आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अगर टाइम देकर निकालेंगे तो इतना पेज का अगर न्यूज पेपर रोज का पढ़ेंगे तो आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो उसमें क्या है कि हम लोग आप लोगों तक ये आर्टिकल को पहुंचाते हैं, इसमें हम लोगों का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। आपका टाइम बहुत कम लगता है, 2 से 3 मिनट का वीडियो बनता है, आप देख लेते हैं। और वहीं पर हम लोगों का फायदा यह है कि हम लोगों को भी इसके जरिए कुछ मिल जाता है। वहीं पर अगर आप पूरा न्यूज पेपर को पढ़ने लग जाइएगा तो आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 2-3 मिनट करके वीडियो होता है, आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है 2-3 मिनट का वीडियो। क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा कोई भी नोटिस जारी होती है तो वो आप लोगों के लिए ही होती है, इसलिए आप लोगों को सुनना है। अब आप लोग ही नहीं सुनेंगे तो फिर कौन देखेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो वीडियो को देखा कीजिए। चलिए आज का आर्टिकल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, सिलेबस में कटौती नहीं किए जाने पर से बिहार बोर्ड के बच्चे हैं परेशान। अब देखिए, सिलेबस 25% भी पूरे नहीं, सामने आई परीक्षा, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं, जिसके पास मोबाइल लैपटॉप या फिर कोई भी उपकरण कोई भी यंत्र नहीं है तो वो तैयारी कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे के पास है तो चलो भाई तैयारी थोड़ा बहुत ऑनलाइन कर लेता था, लेकिन जिस बच्चे के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो वो 2-3 महीना में पूरे 12th क्लास का या फिर इंटर का सिलेबस इतना बड़ा है, वो लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए वही बात को यहाँ पर कहा गया है कि सामने आई परीक्षा तो आप लोगों के लिए काफी खुशखबरी है। सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट जारी होती है आपको चैनल पर मिलता है, ठीक है। देखिए बिहार बोर्ड ने पहली बार ऐसा इतिहास में काम किया होगा जो आप लोगों को खुश करेगा। आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न में हुए बदलाव की दे रहे हैं जानकारी। डॉक्टर कुमार बताते हैं कि बिहार बोर्ड की ओर से इस बार प्रश्न में विकल्प ज्यादा दिए जा रहे हैं। लचीले प्रश्न होंगे, लचीले का मतलब क्या, बहुत ईजी प्रश्न होंगे, इसके जानकारी हमारे माध्यम से दी जा रही है, हमारे माध्यम से दी जा रही है। शिक्षक मनोरंजन कुमार बताते हैं कि पहले 10 प्रश्न के 5 का जवाब ही देना होता था, अब वही 15 में 5 के उत्तर देने होंगे। एक चैप्टर से 2 सवाल पूछे जाते थे, इस बार 4 होंगे, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न होंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये आर्टिकल जो दी गई है आपके हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, अगर आप लोगों को प्रूफ के तौर पर जानना है तो आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान पेज पर ये जो है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पर ये आर्टिकल दी गई है। तो सबसे पहला बात है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है बहुत लचीले होंगे, बहुत लचीले का मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी। और नेक्स्ट बात है, अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे तो किसी का नहीं हुआ 100% है, जैसे कि मान लेते अगर फिजिक्स में 15 चैप्टर है, ठीक है, तो फिजिक्स में 15 चैप्टर में कितना टोटल क्वेश्चन पूछा जाता था, तो टोटल दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछा जाता था सब्जेक्टिव, ठीक है। अब क्या होगा कि दो सब्जेक्टिव जो रहेगा वो एक ही चैप्टर से रहेगा। आप यहाँ पर देखिए 4 होंगे, इस बार पहले चैप्टर से पहले 2 सवाल पूछे जाते थे, इस बार 4 होंगे। तो अब देखिए, अगर शुरू का 5 चैप्टर अगर आपका पूरा हो गया होगा तो 4 अगर सवाल रहेंगे तो 5 × 20 टोटल 20 आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार ये कहा गया है कि पहले जो है 2-2 करके पूछा जाता था एक चैप्टर से, अब जो है 4-4 सॉल्व पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग जो है अगर रिवीजन स्टार्ट नहीं किए तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट वाला मत पढ़िए। आप लोग शुरू वाला मतलब कि जितना पढ़े हैं बस उतना को ही रिवीजन करना है, लास्ट वाला और जो है नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक चैप्टर से जब 4 पूछेगा तो भाई किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगा। और दूसरा पूछ रहा है 10 प्रश्न में 5 का जवाब ही देना होगा, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोगों का पहले 20 क्वेश्चन पूछा था तो 20 में 10 5 पूछता था, तो मतलब कि 10 पूछता था तो 10 में 5, लेकिन अब क्या है आपको जो है यानी कि तिहाई कर दिया। अब अगर आपको 60 क्वेश्चन पूछेगा तभी आपको 20 का जवाब देना होगा, पहले 40 में 20 अब 60 में 20। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। इसलिए इस न्यूज को तो आज शेयर कर दीजिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको खुश हो जाएगा। और एक आर्टिकल आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, टाइम दीजिए, पढ़ाई हुई नहीं कैसे परीक्षा में होंगे पास। मानव संसाधन मंत्रालय की काउंसिलिंग सेल मनोदर्पण की रिपोर्ट इसका खुलासा कर रही है। टीम में शामिल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार बताते हैं कि हर दिन बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के बच्चे फोन कर रहे हैं, 8 से 10 कॉल आ रही है। सभी के सवाल यही होते हैं कि हमने इस बार स्कूल में पढ़ाई तो की ही नहीं, घर के बड़ों या खुद से पढ़ाई की है, पास कैसे होंगे। अब देखिए, जिसके पास घर के बड़े या होंगे या फिर खुद से पढ़ सकेंगे वो किए हैं। बहुत कोई क्या है कि बहुत गांव देहात से या फिर किसी मतलब लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उसका तो तैयारी बिल्कुल ही नहीं हो पाई होगी, ठीक है। तो ये कहें कि इस तरह का हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चला और ना डाउट नट, दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और दोस्तों 5 सेकंड के अंदर, जी हाँ मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार या फिर भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सभी का जवाब डाउट नट ऐप पर। फिर चाहे IIT JEE नीट या फिर क्लास 6 to 12 का किसी भी क्वेश्चन, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको डाउट नट ऐप पर। और किसी भी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट ऐप पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेस, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, यानी अब आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भरोसा, आप भी इंस्टॉल करें और इस ऐप का लाभ उठाएं। स्मार्ट क्लास हुए, एक और CBSE ने 30% सिलेबस घटाया और परीक्षा को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिला। तो CBSE बोर्ड देखे 30% भी घटाया, उसके बाद फिर समय जो है कहां पर मिला, अप्रैल ये मई में, यानी कि 3 महीने का समय भी बढ़ाया। लेकिन वहीं पे बिहार बोर्ड के छात्रों की व्यवस्था यह है कि सिलेबस भी नहीं घटा और ना ही परीक्षा को अतिरिक्त समय मिला। सिर पर आई परीक्षा ने बच्चों की परेशानी बढ़ा दी है, अभिभावक की चिंता में है। दोनों परीक्षा में कुल मिलाकर जिले के लगभग 1.5 लाख बच्चे शामिल होंगे। आप लोग देख ही सकते हैं बिहार बोर्ड किस तरह का अन्याय कर रहे हैं छात्रों के साथ। छात्र जो है परेशान हो चुके हैं, ठीक है, एग्जाम टाइम को लेकर के इतना कम समय में वो तैयारी आखिर कैसे करें। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए सिलेबस कंप्लीट हो जाता तो कम से कम माइंड में रहता है, चलो भाई मैं सब कुछ पढ़ लिया,
गया हूँ, कम से कम पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो अब देखिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब क्या कर सकते हैं और टाइम भी नहीं बढ़ाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बस आप लोगों को क्या करना है, जितना पढ़े हैं उतना ही रिवाइज कीजिए, ठीक है। और आप लोगों का ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। अब वहीं पर देखिए पहले 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था 2020 में, अब कर दिया 100। तो अभी 100% है कि अगर 15 चैप्टर आपका है तो 15 चैप्टर से 100 पूछा जाएगा। तो अगर आपका 7 चैप्टर भी कंप्लीट होगा तो आपका 50 जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, और आज सब्जेक्टिव के लिए भी ये कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इस तरह का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपता है न्यूज़पेपर में, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बस आप लोग 2-3 मिनट निकाल करके वीडियो को देखा कीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा कोई भी छोटी से छोटी लेटेस्ट अपडेट जारी होती है आपको चैनल पर मिलता है।